फीमेल गठबंधन है, देख नहीं रहे अपने में उठा पटक शुरू है। ये तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है, ये तो यही तो हम कह रहे हैं। अपराध और अपराधी के साथ गठबंधन कीजिएगा तो अपराधी खुला हो गया। शासन जो है रुतबा से चलता है, शासन लाठी डल्टा गोली तोप बारूद से नहीं चलता है। 10 दिन तो बीत गया, अपराध बढ़ रहा है, कौन बेर समीक्षा की है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज, मेरा नाम अभिषेक है, हमारे साथ पूर्व कानून मंत्री प्रमोद कुमार है। अच्छा, कानून मंत्री पर जिस तरीके से आरोप लगे, किस रूप में देखते हैं कानून मंत्री आप भी रहते? देखिए, ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना हुई है और जो नीचे के एडीजे न्यायालय ने एक आदेश दे दिया, उच्च न्यायालय के आदेश को ओवरलुक कर, तो इस विषय में अब उच्च न्यायालय इसका संज्ञान लिया है और उच्च न्यायालय के परिधि में ही सारा बात चला गया है। अब उच्च न्यायालय इस पर क्या निर्णय करेगा उस पर हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। न्यायालय के परिधि के अंदर जो विषय आ जाता है तो उस पर कोई कमेंट करना ठीक नहीं है। अभी क्या स्थिति है, महागठबंधन की सरकार बन गई है? बेमेल गठबंधन है, देख नहीं रहे अपने में उठा पटक शुरू है। पलटू राम का हाल सब बच्चा बच्चा चिल्ला रहा है, आप ही के चैनल पर तो चल रहा था, वो बच्ची का आप इंटरव्यू हम देख रहे थे यूट्यूब पर, आप ही के चैनल साइड था, एक बच्ची बोल रही थी कितना कड़ा, तो हम देखे तो हमको रोजगार पर तब। अच्छा, क्या स्थिति है बिहार में जो आप लोग कह रहे हैं कि जंगल राज क्या? हम लोग जंगल राज नहीं कर रहे हैं, ये तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है, जिस जो आम भाषा में ही चलाया। अब श्रीमान लालू प्रसाद जी जेल गए थे, चारा घोटाला में गए थे, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नहीं थी, नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार थी, उस समय सरकार इनकी चुनी हुई देवगौड़ा जी की सरकार थी और उन्होंने आदेशित किया सीबीआई को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, जेल गए। आप लोग अभी कह रहे हैं कि बिहार में 10 दिनों में अपराध बढ़ गया, क्या 10 दिनों में कैसे अपराध बढ़ गया? ये तो यही तो हम कह रहे हैं, अपराध और अपराधी के साथ गठबंधन कीजिएगा तो अपराधी खुला हो गया, जो बैरक में था वो बाहर आ गया। जो कुमार तो मुख्यमंत्री हैं ही, तो अपराध कैसे बढ़ गया है? तब यही तो बात उनसे पूछिए कैसे बढ़ गया। बिहार के डीजीपी भी नीतीश मतलब जो पहले थे वो अभी भी हैं। फिर बात समझिए, जो बैरक में था वो बाहर आ गया, अफसर वही है और उसको ढील दिया। क्या लाठी डंडा लेकर बीजेपी के नेता सड़क पर थे इसलिए अपराध कम था, अभी अपराध बढ़ गया? लाठी डंडा का सवाल नहीं है, शासन जो है रुतबा से चलता है, शासन रुतबा से चलता है, शासन लाठी डल्टा गोली तोप बारूद से नहीं चलता है। बिहार की जनता की सुरक्षा में थे आप लोग, लाठी डंडा लगा इसलिए अपराध कम था? बस ये, हम शासन पर शिकंजा कसे थे, हम हमेशा अपराध और अपराधी के विरुद्ध में हम लड़ाई लड़ते थे और बोलते थे, सदन में भी बोलते थे, कैबिनेट में भी बोलते थे और माननीय मुख्यमंत्री लगातार दो दिन एक एक दिन पर ही समीक्षा करते थे। 10 दिन तो बीत गया, अपराध बढ़ रहा है, कौन बेर समीक्षा की है। अच्छा, अब नीतीश कुमार के साथ जाएंगे कि नहीं आप लोग? कदापि नहीं। 2024-25 में कभी? कदापि नहीं। तो आपने सुना कि पूर्व मंत्री, पूर्व कानून मंत्री, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने साफ साफ जो आपने सुना कि कहा, तो मैं रही लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।